सुबह सुबह ये ऊपर आ गई, बोल रही कि तूने मैं जूस पिया सारा। भाई तुम्हें क्या बताऊं, मेरा फेवरेट है रियल जूस, तुम्हें सबको पता है कल मैंने पिया था। और ये रो रही है कि पी गया मैं अपने लिए लाई थी ये रही। हेलो, तू मेरी बहन है, तू मेरी बहन है, तेरे ऊपर तो जी जान दे। तो स्टार्टिंग रोने से हो गई है ब्लॉग में। दोस्तों मैं आज आपको एक गेम के बारे में बताऊंगा जिससे आप पैसे भी कमा सकते हो और बहुत सारे पैसे जीत सकते हो। पर दोस्तों ये जो गेम है, ये जो एप्लीकेशन है जो मैं आपको बताऊंगा, ये दोस्तों 18 प्लस से ज़्यादा लोगों के लिए है, ठीक है, क्योंकि इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क भी इन्वॉल्व है, इसलिए गेम ये आपको सोच समझ के खेलनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, 20 मिनट में 7000 रुपये तक कमाए। और मैं आपको ना इसका मेथड शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको रिचार्ज करना है, सबसे पहले आपको 500 रुपये का रिचार्ज करना है। फिर इसमें से कोई भी एक गेम आप यहाँ पर सिलेक्ट करो और आप देख सकते हो मैंने किस तरह से यहाँ पर 200 रुपये कमा लिए है। बट ये मेन पॉइंट नहीं है, मैं आप लोगों से कुछ और शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। तो आपको यूज़ करना है 3x बैट प्रिडक्शन। गाइज आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पर 100 रुपये का नुकसान हुआ है और अब मैं यहाँ पर 300 रुपये की बैट लगाने वाला हूँ। तो गाइज अभी क्या, अभी मेरा 300 रुपये का नुकसान हो गया, बट लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए मैं अभी आपको। तो गाइज मैंने फिर से 3x इन्वेस्टमेंट पे टिक कर दिया है और अपना लॉस रिकवर करने के लिए। तो गाइज अभी आप देखो, दो बार लॉस होने के बाद मैंने तीसरी बार के में भाई मैंने 650 रुपये कमा लिए है आपके सामने। गाइज ऑलमोस्ट मैंने कमा लिया 750 रुपये 3 मिनट में। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, बट आपने देखा है तो आप भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट से आप डरते हो तो आप साइन अप करोगे तो आपको 41 रुपीज़ आपको मिलेंगे, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। उसका मिनिमम विड्रॉ है वो 100 रुपीज़, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप करिए ज़रूर। पर मैं बट आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि क्योंकि इसमें फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है, तो ध्यान से सोच समझ के कीजिएगा। कल पता जो वीडियो डाली थी ना मैंने रोटी बनाने वाली, उसमें कमेंट आ रही भाई शादी कर ले। थैंक यू दोस्तों, तो सीधे से बात है, तो भाई शादी कर ले तो मम्मी से बात। हाँ मम्मी से बात मुझे कर ली कैसे इससे बोले जा, मुझे मत करने लगा। मम्मी से बात कर ले, तो मम्मी ऐसे ऐसे कमेंट आ रही शादी करा दो। सो गाइस सीन क्या है भाई, जो मैंने कल वीडियो डाली थी ना, चपाती बना रहा हूँ मैं जिसमें रोटी बना रहा हूँ, तो उसमें कमेंट आ रही है कुछ भाई शादी कर लो, बहुत ज़्यादा जरूरी है, तुम जरूरत है तुम्हें शादी की, भाई क्यों ऐसे क्यों ऐसे ऐसे कमेंट करते हो, दिल खुश हो जाता है, पता नहीं कब होएगी यार। तभी का सीन क्या है कि मेरी सिस्टर जो कि बना रही है, क्या बना रही है, दाल बना रही है, ठीक है, और इसी के साथ मैं भाई खा रहा हूँ खाना, जिसमें खाने में दही रोटी सब्जी नॉर्मल सा खाना, तो अपना खा लेते हैं फटाफट से, भी मैं खाना खाने के बाद आपको मिल। स्वीटी वैसे उस वाली कमेंट का क्या रिप्लाई दूँ? है क्या क्या दूँ उस कमेंट का रिप्लाई? स्वीटी तो बेइज्जती शर्म आ रही है। सॉरी बहन, मैंने तो कमेंट पढ़ी, ऐसी कमेंट पढ़ के छुट्टी दिल खुश हो गए। क्या यारी, लड़कों को शादी की इतनी खुशी क्यों क्यों होती है? कोई घर में भी ऐसी बात चले तो लड़के तो खाना टाइम पे मिला, खाना टाइम पे मिला, हेल्प वाइफ की भी करनी पड़ जा, चल ठीक है अपना काम। दोस्तों खाना खाने के बाद सीधा मैं अपने चाची के पास आया, चाची को बताने। चाची मेरे पे ना मैसेज कर दी बहुत सारी लोंडिया कि अब तुम शादी कर लो, कर लो, कर लेगा, सही बात है, साले वो मिल जाओगी, फुल सपोर्ट करेगी, मम्मी को मना ले। हाँ, मम्मी तो मैंने बनाई है, सही बात है, कहाँ से लाएगी? बहुत आई जाऊंगी लोंडे, तो होगी है टाइम आने पे, अम्मा टाइम आने पे सब हो जाओ भैया, और क्या और क्या।
पहले बहन का होएगा, बहन बड़ी है, फिर मेरा होएगा, है ना? चलो घोड़ी पे तो चढ़ूंगा। हाथ दिखाइए तेरा कितना बड़ा हाथ है अम्मा, हाथ के ऊपर हाथ रख, ऐसे पलट के रख, पलट के रख अम्मा, छोटा सा ही है। गाइस अभी आ चुका भाई गन्ना जूस पीने, जो कि बहुत ठंडा ठंडा है, और मेरा दोस्त क्या हाल है। जूस वूस पीने के बाद सीधा भाई जा रहा हूँ फ्लोट पे, वहाँ पे मेरी खड़ी है बग्गी जो कि मैं इस पे चढ़ूंगा, और यहाँ पे मेरी खड़ी है घोड़ी जो कि अभी सजेगी। अरे यार अरमान है, देख लेंगे जब चढ़ेंगे, जब की जब देखेंगे। तो दोस्तों सीन क्या है कि अभी जस्ट अभी प्लॉट पे जा रहा हूँ जूस वूस पीने के बाद। प्लॉट पे क्यों जा रहा हूँ, बस ऐसे ही घूमने जा रहा हूँ भाई, मर्जी है हमारी, हम जा सकते हैं तो वही, बस चलो चलते हैं। इसी के साथ दोस्तों जस्ट प्लॉट से अपने घर पर आया, ठीक है। सब कुछ साफ कर दे, मैं नहीं करती कुछ भी। हाँ नहीं तो आ तुम लोग दिखो, फैला के जाऊंगी मैं, गंदा करके जाऊंगी। बहन तो यू तो बहुत प्यारी है, चल तू तो बहुत प्यार कर। टेडी बियर खराब हो गया, कम्बल दिखाई कहाँ से फटा, दिखा तो पीछे से। मैं साफ साफ करके मुझे बहुत प्यार हो गया, साफ करवा दो ना, बहन होगी तो जल्दी से। ऐसी फैला पड़ा है दोस्तों सब कुछ, अब मैं इसको बोल रहा साफ कर दे। ये इंस्टाग्राम पे रील्स कोई नहीं, ए बंद कर तू, 10 बार कर रखा रील्स भी। बहन ना तू कुछ यही प्यार है, आई लव यू, वापस दे। सो गाइस बाहर एकदम अंधेरा हो चुका है, ऑलरेडी इतनी मस्ती करा है, इतनी एक बात नहीं सुनती, कमरा साफ करने का है, मेरा सा कमरा साफ नहीं करती। मेरे दिल से पूछो मेरे दिल पे क्या बीत रही है। मेरे पिताजी वेयर आर यू, कहाँ हो तुम, आ जाओ और देखो, समझाओ इसको, ये नहीं समझती। साफ कर दे बिल्कुल कमरा जितना। गाइस ये भी भाई बहुत दिन से यहाँ पर टंग रहा है, ओए चिपकली, मैं चिपकली से डरता हूँ यार, नहीं डरता। दिन से यहाँ पे टंगे हुए थे, हैप्पी बर्थडे तो हो गया तो रख देते, तुम्हारा टाइम ओवर। सो ठीक है फिर दोस्तों, यहाँ पर सफाई वफाई भी हो, चादर वदर बिल्कुल बिछा दी बहन ने, बट अभी अभी खोल आई है ताऊजी के हाथ, ताऊजी ले आए और मैंने ऊपर की सफाई करवा दी उससे। अभी अभी खोल आई है कि ताऊजी आ रही हो भाई, सफाई से लेकर आ दी ऊपर की। ताऊजी आते ताऊजी गुस्सा होते, क्या सब फैला रखा है, और ऐसे ही फैला रहता है यार मेरा रूम में, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल ऑफ यू, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ। और हमारी फैमिली को आप अपनी फैमिली मानते हो, थैंक यू दिल से।